हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। और दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो आज सुनवाई हुई है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेके लखनऊ खंडपीठ में, उसकी ऑर्डर कॉपी अपडेट कर दी गई है। तो मैंने थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की, तो कुछ लोगों को लगता है वो न्यूज़ गलत है या हमने अपने से बना के डाल दी है। तो मैं उसी क्रम में ये आपके साथ न्यूज़ साझा कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़ें और जानें क्या होता है, ठीक है ना? फिर आप कमेंट करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं आपके साथ पूरी न्यूज़ शेयर करूंगा, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्या है मैं गलत कह रहा हूँ। तो फिर आप कमेंट करें और सही बोलें कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसे आप कि मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, ऐसी बातें ना करें। आपके सामने सारा कुछ है, केस नंबर क्या है, कहाँ पड़ा हुआ है, मैं सारा कुछ पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ क्या है, फिर आप जाएँ और चेक करें, फिर आलोचना करें तो अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि आज कोर्ट नंबर 23 ही हम बात कर रहे हैं, लखनऊ खंडपीठ की, ठीक है? ये है और पिटिशनर थे जो मोहम्मद रिजवान एंड अदर्स वर्सेस था, और रिस्पॉन्डेंट था आपका यूपी गवर्नमेंट, ठीक है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन देख रहे हैं आप। काउंसिल फॉर पिटिशनर थे अमित कुमार सिंह भदौरिया, उपेंद्र नाथ मिश्रा, और रिस्पॉन्डेंट थे ये, ठीक है? तो कई लोगों ने केस डाला हुआ है, सारे केस नंबर 2, केस नंबर 3 हो गए, केस नंबर 4 हो गए, मतलब तो कई लोगों ने मिलकर इसमें केस डाला हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ये सारे लोगों ने केस डाला हुआ है, ठीक है? ऑनेबल राजेश जी के ये उसमें लगा हुआ है। इसमें देखते हैं, हर डॉक्टर एलपी मिश्र लर्न काउंसिल एसटी श्री, अवधेश शुक्ला एडवोकेट श्री, एससीएस परिहार लर्न सीनियर, मतलब ये सारा कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है? आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आपके सामने हैं, और आप जाके चेक कर सकते हैं। ये मोहम्मद रिजवान और अदर्स का, ये मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ खंडपीठ की, ठीक है? ये आपके सामने हैं, और मैं बताता हूँ, बाद में बताता भी हूँ आपको हुआ क्या इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस केस में देखिए क्या हुआ है, साफ साफ जरा आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ, ड्यू ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आर्गूमेंट ऑफ दिस केस कुड नॉट बी कंक्लूड टूडे, ठीक है? कम समय चलते आर्गूमेंट नहीं हो पाता, इसलिए केस को आज कंक्लूड नहीं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से देख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है? लिखा, ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आर्गूमेंट ऑफ दिस केस कुड नॉट बी कंक्लूड टूडे, ठीक है? कम समय की वजह से इसको आज कंक्लूड नहीं किया जाता, देयर फॉर लिस्ट पुट अप दिस केस टुमारो, ठीक है? केस कस लगा हुआ है 10:15 बजे, आप देख सकते हैं, अलॉन्ग विथ अदर कनेक्टेड मैटर्स, और उसके साथ मतलब आप देख रहे हैं कई केसेस लगे हुए हैं, और इससे जो मिलते 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 जुलते और भी चीज मैटर्स हैं उनको भी इनके साथ ऐड कर दिया गया है। और यहाँ लिखा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बन रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? यानी जब तक सुनवाई नहीं हो जाती उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आप जाके डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्टेटस क्यू एज ऑन टूडे, ठीक है, शैल बी मेंटेन टिल टुमारो, दैट इज यानी जब तक कल सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सेम का सेम रहेगा। आप देख रहे हैं आज ऑर्डर आया है ये, ठीक है? तो ये मैं बात कर रहा था आपको, लखनऊ हाई कोर्ट की अपडेट थी। तो स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि आप जैसी स्थिति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और उन्होंने साफ साफ लिखा है, सैल बी मेंटेन टिल टुमारो, यानी कल तक की बात, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप बने रहें और थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ क्रिएट करके आपको नहीं बताते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये सारी न्यूज़ थी, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें, नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत